अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को मिलेगी विशेष सुविधा, साथ ही साथ परेशानियों का होगा समाधान। खबर सिवान के हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र से, जहां जुड़कन मोड़ पर आज भव्य तरीके से जनसेवा पॉली क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर हथौड़ा पंचायत के मुखिया विजय चौधरी तथा हबीबनगर पंचायत के मुखिया हरेराम यादव और भूतपूर्व मुखिया रामचंद्र सिंह ने सम्मिलित रूप से फीता काट कर इस पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर सैयद जोहर भर्षण ने बताया कि दांत से संबंधित समस्याओं से कई रोग उत्पन्न होते हैं तथा धूम्रपान तथा अन्य गुटखा खाने से कैंसर जैसी भव्य बीमारियां होती है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि इस सब को लेकर हमें अपने समय समय पर दांतों का जांच कराना चाहिए। वहीं इस मौके पर डॉक्टर ऋषिकेश कुमार पांडे, डॉक्टर अग्निवेश कुमार पांडे, डॉक्टर पूर्णिमा पांडे मौजूद रहीं। आपको बता दें कि डेंटल क्लिनिक के अलावा स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ की भी जाँच की जाएगी। इस मौके पर कई अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। वहीं 24 घंटे भी सुविधा देने की बात भी मौजूद डॉक्टरों के द्वारा कही गई। वहीं उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी मरीज हैं उनको सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों से फीस भी काफी कम होगी और लोग अपना इलाज करा पाएंगे। लोग यहाँ पर इसलिए आ सकते हैं क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर दंत चिकित्सा की सुविधा, अभी हम लोगों ने खास की स्थापना इसीलिए किया कि दंत चिकित्सा की सुविधा यहाँ पे अच्छे से पहुँच सके और आधुनिक तकनीकों से लैस हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लगाई हैं ताकि लोगों का इलाज बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके और उनको एडुकेट करना, उन तक चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाना, ये हमारा मेन उद्देश्य। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र, देखिए शहरी क्षेत्रों से तो हमारा ये बहुत अलग हो गया, शहरी क्षेत्रों में जाना पड़ता था दूर लोगों, ग्रामीण लोगों को, तो वो भी एक आना जाना भी एक परेशानी थी और उनके साथ और भी परेशानियां रहती हैं कि गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको और भी काम रहते हैं करने के लिए, बिजी रहते हैं, उस शेड्यूल से टाइम निकाल के उनको जाना ये भी एक मुश्किल होती है। तो खास के हमने इसलिए ग्रामीण इलाके में इस चीज़ को स्थापना की ताकि डॉक्टर्स यहाँ तक पहुँच सकें, लोगों की तकलीफों को समझ सकें, उनका इलाज कर सकें और लोग जो घर पे घरेलू उपचार करते हैं उससे भी कुछ हद तक उनको पहुँचती है इसमें, लेकिन उससे उनका जो बीमारी का जड़ है वो खत्म नहीं होता, तो वो परेशानी बनी रहती है, उसका इलाज करना चाहिए हमारा मुख्य उद्देश्य। ये ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि लोग तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं, उसके वजह से उनको दांत की जो कालापन आ जाता है, पीलापन आ जाता है, मुंह से बदबू आना, दांत को ढीला होकर के फिर दांत निकल जाना, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आती हैं दांतों में, खुड़ीला बोलते हैं यहाँ पे लोग, तो केरी कीड़ा लग जाता है दांत में, तो उससे दर्द तकलीफ होती है, पूरे चेहरे में दर्द होता है, और भी बीमारियां दांत के जरिए बदन के अंदर जा सकती हैं, लिवर में, हार्ट में जा सकती हैं, तो ये सारी बीमारियों का इलाज शुरू में ही हो जाए, दांतों की सफाई हो जाए, दांतों के जो कीड़े हैं वो निकल जाएँ, RCT रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है जो हमारे पास अभी सुविधा उपलब्ध है, साथ में जो लोगों के दांत खो देते हैं लोग तो उसके लिए नए दांत लगाना बाहर से, जैसे इम्प्लांट होता है, फिक्स पार्शियल डेंचर, रिमूवल पार्शियल डेंचर, कंप्लीट डेंचर, पूरी 32 लगना, ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्या लगता है ये बहुत बड़ी बीमारी है और तंबाकू से ये तो बिल्कुल पूरे दुनिया में जाना जाता है, पूरे विश्व में ये सब लोग जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है और हर तंबाकू के पैकेट में भी ये चीज़ को दिखाया जाता है कि कैंसर से खाने से होता है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों तक ये एडुकेट भी कर सकें, उनको उनके तक काउंसलिंग पहुँचा सकें, लोगों को काउंसिल कर सकें, शिविर लगा लगा के ग्रामीण इलाकों में कि वो कैसे तंबाकू को धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं, कि एक बार में छोड़ना इसको लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो हम काउंसलिंग करके धीरे धीरे 1-2 महीने 3 महीने में टेपर कर करके लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना चाहते हैं। लोगों से यही मेरी आग्रह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा बड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, उससे बचें, ज़्यादा फंक्शंस बड़े बड़े अभी करने से बचें, और ये धीरे धीरे ये बीमारी जा ही रही है, हमारी तो यही है कि कामना है कि जल्द से जल्द बीमारी दूर हो जाए लोगों से, कुछ 1-1.5 महीने 2 महीने तक थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है और लोग मास्क वगैरह लगा सकते हैं और अपना सोशल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। इस क्लिनिक का नाम क्या है और ये किस जगह पर? इस क्लिनिक का नाम जनसेवा डेंटल केयर सेंटर रखा है हमने और ये जुड़कन मोड़ के पास है और सिवान शहर से महज 2 किलोमीटर पहले आने की रोड में और मेन रोड पे है, भेड़ियारी टोला इस टोले का नाम है, जहाँ पे ये क्लिनिक आप आ सकते हैं। सर अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम डॉक्टर सैयद जोहर भसन और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मैंने पढ़ाई भोपाल से की है और यहाँ पे आया हूँ ताकि लोगों तक, ग्रामीण इलाकों तक ये सुविधा पहुँचा सकें, ये हमारा मेन उद्देश्य। नाइट से कोई प्रॉब्लम होती है उसकी सुविधा उपलब्ध रहेगी?
नाइट में भी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, और 24 घंटा किसी भी वक्त लोग हम तक अपना अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे जो क्लिनिक का टाइम है, ओपीडी का टाइम है, वो 9 सुबह से लेकर के रात के 9 बजे तक है, और रात में भी अगर लोगों को ज़रूरत हो तो वो आ सकते हैं। ग्रामीण लोगों के लिए खास करके हमने इस चीज़ को किया है, जो कि शहरी इलाकों में ये नहीं मिल पाता कि 24 घंटा सुविधा, ग्रामीण लोगों के लिए स्पेशली हमने ये चीज़। बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग इसमें जो है डेंटल और गायनिक के लिए स्पेशल स्टार्ट किए हैं, और पॉली क्लिनिक है यहाँ पे, जनमानस जन लोगों की सेवा के लिए ऐसा किया गया। बहुत रिजनेबल हम लोग काम करेंगे अभी स्टार्टिंग में भी, और कभी भी हम लोग जनसेवा के भविष्य ही काम किए हैं। जनसेवा नाम रखने के पीछे की जनमानस मन लोगों की सेवा के लिए मेन पर्पस हम लोग का सेवा ही है लोगों का। टाइमिंग डेंटल ट्रीटमेंट का सुबह 7 बजे से लेके शाम में 7-8 बजे तक रहेगा, 7 बजे तक, और ऐसे 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहेगा। ये भेड़ीहारी टोला जुड़कर मोड़ है, जो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से मात्र 1 किलोमीटर के करीब है, जो आंदर रोड में है। मतलब लोगों में ये चीज़ एक चीज़ है, भ्रम है कि बहुत डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट जो है हम लोग उसको सुगम कर रहे हैं धीरे धीरे, मैंने कम में अच्छा काम करने की वही पर्पस है। डेंटल ट्रीटमेंट के द्वारा लोग मुँह की सफाई कराएँ, जिससे कि गैस्ट पेट की भी समस्या दूर होगी और पाचन संबंधी समस्या भी दूर होगी। इससे नाम बता दो। डॉक्टर निवेश पांडे। काफ़ी समय से आपके परिवार में लोग चिकित्सकीय कार्य में रहे हैं, और आज एक बहुत ही शुभारम्भ हुआ है डेंटल क्लिनिक का, इसको लेकर किस तरह आप विचार रखेंगे? मेरा तो ख्वाब ही था कि चिकित्सा क्षेत्र में ही हमारे अगले पीढ़ी भी इसी में रहें, और हमने बहुत प्रयास किया और हम अपने प्रयास में सफल भी रहे कि हम अपने दोनों लड़के को जो है सो चिकित्सा क्षेत्र में हम जो है सो कर दिए, सेटल कर दिए। आज जो शुभारम्भ हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, शहरी क्षेत्र में तो अब यहाँ है, हम व्यवस्था रखे हैं 24 घंटे का, रात्रि सेवा भी उपलब्ध रहेगा, और रात में शहरी क्षेत्र में जाने में दिक्कत होती है मरीजों को, कि हम प्रयास करेंगे कि यहाँ आसपास के जितने लोग हैं उनको रात्रि सेवा दें, सुपलब्ध करा सकें, उन लोगों को न जाना पड़े शहरी क्षेत्र में।